Today I am going to give you a brief description of database. What is a database? Data. First of all, you must know what is a data. Facts or observation about people, place, things and event is called data. The audio, music, photograph and video. And second is audio, music, photographs and सो जो कुछ भी हम देखते हैं और उसको जो फैक्ट है हमारे चारों तरफ और जो हम देखते हैं पीपल के बारे में, जगह के बारे में, इवेंट्स के बारे में, इवन जो कुछ भी हम सुनते हैं और सुनते हैं और देखते हैं पिक्चर फॉर्म में, वो सब हमारा डेटा है. वे टू व्यू अ डेटा. डेटा को हम दो तरह से देख सकते हैं, फिजिकल व्यू एंड लॉजिकल व्यू. फिजिकल व्यू मतलब है कि हम किस तरह से उसको स्टोर करते हैं और किस डिवाइस में स्टोर करते हैं और परमानेंट कैसे स्टोर करे रहते हैं जिससे कि बाद में भी काम आ जाए. और लॉजिकल व्यू मतलब कि उसमें लॉजिक डिपेंडेंट हो. जैसे कंप्यूटर में दो ही चीज फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाती है, जीरो और वन के फॉर्म में. तो लॉजिकल व्यू में डेटा स्टोर रहता है. और की फील्ड क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफायर, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी की. इस डेटा को हम कैसे एक्सेस करते हैं? प्राइमरी की से. अब प्राइमरी की क्या होती है? वो की जो यूनिक होती है और एक आदमी के लिए एक ही की बनी होती है. ना तो एक जैसे नाम के ढेर आदमी की एक ही की बन जाएगी तो एक्सेस करने में दिक्कत होगी. तो यूनिक की होती है, मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक ही की, एक आदमी के लिए एक ही की है. दोबारा वो जैसे टेलीफोन नंबर दो नहीं हो सकता, दो आदमियों का एक सा नहीं हो सकता, उसी तरह से डेटा का यूनिक की जो होती है वो दो लोगों के लिए एक नहीं हो सकती है. बैच प्रोसेसिंग. अब जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको बैच में प्रोसेस करते हैं. बैच मींस क्या है? डेटा इज कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोसेसिंग हैपन लेटर ऑल एट वन टाइम. धीरे धीरे डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं और फिर एक साथ उसको प्रोसेस करते हैं. तो जब वो बैच में प्रोसेस होता है तो वो बैच प्रोसेसिंग कहलाती है. रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन प्रोसेसिंग, बिकॉज इट हैपन इमीडिएटली ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन. अब जब हम कुछ काम करते हैं तो उसी समय जो प्रोसेसिंग होती है वो रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है. जैसे आप फोन पे बिल जमा कर रहे हैं या फोन पे आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो तुरंत बैंक से फिर रिप्लाई आ जाता है कि वी रिसीव द डेटा, फोन वालों के पास से आ जाता है वी रिसीव द बैलेंस, और या बैंक से आ जाता है कि डेबिटेड दिस मच बैलेंस. तो रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है जो तुरंत की तुरंत ऑनलाइन हो जाती है. अब डेटा बेसिस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटा बेस. अब डेटाबेस एड्रेस डेटा रिडेंसी एंड डेटा इंटीग्रिटी. व्हाट इज अ रिडेंसी एंड डेटा इंटीग्रिटी? रिडेंसी मींस कि करेक्ट डेटा हो जिसकी कुछ वैल्यू हो, और इंटीग्रिटी मींस कि हमेशा वही डेटा रहे, ये नहीं कि बदल बदल के सेम आदमी का डेटा आए. तो उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है हर जगह पे. मान लीजिए डेटाबेस में एक जगह उस आदमी की इंफॉर्मेशन है तो हर जगह वैसे ही रहेगी, तो वो इंटीग्रिटी कहलाती है. और रिडंसी मींस कि प्रॉपर डेटा हो, गलत ना हो. डीबीएमएस स्ट्रक्चर, डेटाबेस मॉडल. अब डेटाबेस मॉडल फाइव कॉमन डेटाबेस मॉडल है. हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, मल्टी डायमेंशन डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. हायरार्किकल मींस कि पहले बड़ा कोई आदमी है, फिर उसके नीचे और आदमी आते हैं. अब जैसे कोई कंपनी का मैनेजर है या ओनर है तो ओनर के नीचे मैनेजर आए, मैनेजर के नीचे और जो वर्कर्स आएंगे, जो मैनेज कर रहा है उसके नीचे जो वर्कर्स आएंगे, वो हायरार्किकल डेटाबेस बन जाएगा. नेटवर्क डेटाबेस जिसमें डेटाबेस जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और डिफरेंट नेटवर्क पे रहता है. जैसे बिग बाजार है, उसका नेटवर्क डेटाबेस होगा, वो डिफरेंट जगह आपका डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है. रिलेशनल डेटाबेस मींस जो डेटाबेस
कनेक्टेड हो डिफरेंट प्लेसेस पे। अब जैसे स्कूल का आप कुछ इंफॉर्मेशन बना रहे हैं तो उसमें आपका मेन एक टेबल होगा और फिर सब टेबल होगी। अब जैसे स्टूडेंट है आपका, तो स्टूडेंट क्या क्या सब्जेक्ट लिया है, उसने क्या क्या फीस जमा किया है, उसने क्या क्या परचेजिंग किया है, बुक की किया है कि किस चीज़ की किया है, उससे रिलेटेड, या उसने कितनी फीस जमा की है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन के लिए एक नया टेबल होगा जो आपस में रिलेटेड होगा, और मेन की प्राइमरी की के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड होगा। मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस, अब मल्टी डायमेंशन मतलब कई डेटाबेस जुड़ करके जब बने तो वो मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। तो कई इसको डिटेल में पढ़ने के लिए एक दिन कोई नया चैप्टर ले लेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मींस है जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करने से डेटाबेस इजीली हैंडल हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ही प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ती है और सारा कुछ डेटा अपने आप अपडेट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक नई कॉन्सेप्ट है, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं था, अब ये जावा की वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आ जाने से डेटाबेस को हैंडल करना इजी हो गया है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस, इंडिविजुअल डेटाबेस, कंपनी और शेयर डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड और कमर्शियल डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज डेटाबेस भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमने अभी बताया बिग बाजार का कि डेटा बेस डिस्ट्रीब्यूट रहता है, कंपनी और शेयर्ड, कंपनी का डेटा शेयर्ड फॉर्म में यूज होता है। अब कंपनी की कई ब्रांच है तो आपस में शेयर रहेगा वो डेटा। इंडिविजुअल मतलब जो एक पर्सनल यूज के लिए डेटा बेस हो, और कमर्शियल मीन्स जैसे अमेजॉन यूज करते हैं डेटा बेस, उनका डेटा बेस कमर्शियल होता है। डेटा बेस यूजेज एन इशू स्ट्रेटेजिक यूजेस, डेटा वेयर हाउस यूजेस, डेटा माइनिंग यूजेस। अब स्ट्रेटेजी वाइज यूज होता है जिसमें दो तरह का होता है, डेटा वेयर हाउस मतलब एक बड़ा डेटा स्टोरेज होता है जहाँ ढेर सारे डेटा स्टोर रहते हैं, और डेटा माइनिंग मीन्स वहीं पर आप डेटा के प्रोसेसिंग के लिए फैसिलिटी देते हैं। सिक्योरिटी, डेटा बेस आर वैल्यूएबल एंड प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर दैट। सो सिक्योरिटी डेटाबेस की जरूरी होती है, तो डेटा हैक हो जाएगा और उससे उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, तो उसकी सिक्योरिटी जरूरी है। सो दिस इज ऑल इन शॉर्ट। इफ यू लाइक इन डिटेल प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब।